यानी सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, क्योंकि आज अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज की कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के ऊपर उमेश पाल के अपहरण के साथ साथ उसके हत्या का भी आरोप है, और उमेश पाल के हत्या और अपहरण में अतीक के भाई सरफराज का भी हाथ है, और इसीलिए अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई सरफराज को भी कोर्ट लाया गया है। आपको बता दें कि अतीक अहमद पर तकरीबन 100 से ज्यादा केसेस दर्ज है, वही अतीक अहमद के भाई यानी सरफराज पर तकरीबन 52 केस दर्ज है। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि उमेश पाल की मां ने कोर्ट से अपील की है उनके बेटे उमेश पाल की हत्या के जुर्म में अतीक अहमद को फांसी की सजा दी जाए। अब देखना होगा कि अतीक अहमद को लेकर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है।